ऑफिसर, एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कमीशन ऑफिसर रैंक्स की, तो एनडीए का एग्जाम जो यूपीएससी द्वारा साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है, सबसे प्रमुख तरीका होगा इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने का। वो सभी स्टूडेंट्स जो 12th क्लास पास कर चुके हैं या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी आयु 15.5 से 18 साल के बीच है, वो एनडीए का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप एनडीए का एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं होता। एनडीए के बाद जो दूसरा प्रमुख एग्जाम है वो है सीडीएस। सीडीएस का एग्जाम ग्रेजुएट्स के लिए होता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग या फिर और कोई भी स्ट्रीम, आप एलिजिबल होते हैं सीडीएस के एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करते वक्त आपकी एज 18 से 24 साल के बीच हो। एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम्स यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। साल में दो बार इनका नोटिफिकेशन आता है और दो बार एग्जाम होते हैं। ये रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फेस करना पड़ता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू इंडियन आर्मी डायरेक्टली कंडक्ट करती है। 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये। इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टास्क, इंटरव्यू इत्यादि। एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स के अलावा 5 ऐसी प्रमुख एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10+2 लेवल पे, तो आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 एक सुनहरा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइंस साइड से 12th क्लास पास कर लिया है और जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 70% मार्क्स स्कोर किए हैं। आर्मी टीएस में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें, तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है। टीजीसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 19.5 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। आर्मी टीएस और टीजीसी का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आर्मी टीएस में आपकी ट्रेनिंग 5 साल की होती है, क्योंकि पहले आपको 4 साल इंजीनियरिंग कराया जाता है और फिर 1 साल की आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। लेकिन टीजीसी में क्योंकि आपने पहले ही इंजीनियरिंग कर लिया है, आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल की होती है, जो की होती है आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। अगली एंट्री है एसएससी टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। एसएससी टेक मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स स्कोर किए हों और आपकी एज अगर 19.5 से 26 साल के बीच हो, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगली एंट्री है एनसीसी एंट्री। अगेन ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड या बी ग्रेड लिया है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, आप एनसीसी एंट्री का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और आखिरी एंट्री है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए एंट्री होती है ये। तो अगर आपने एलएलबी कर लिया है, 3 साल का डिग्री या 5 साल का डिग्री, और अगर आपने एलएलबी में 55% मार्क्स स्कोर किए हों, तो आप जैग एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। अगेन जैग एंट्री में मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 20.5 से 26 साल के बीच। तो ये थी कमीशन ऑफिसर रैंक्स की सभी एंट्रीज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो लड़कियां सीडीएस का एग्जाम लिख सकती हैं, लड़कियां एसएससी टेक, एनसीसी एंट्री और जैग एंट्री का फॉर्म भर सकती हैं। तो ये 4 एंट्रीज हैं जिसमें फीमेल्स एलिजिबल हैं। बाकी जो एंट्रीज हैं एनडीए, टीजीसी और आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा अगर हम कैटेगराइजेशन करें, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनडीए, सीडीएस, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में आपको मिलता है परमानेंट कमीशन। और जो बाकी एंट्रीज हैं एसएससी टेक, एनसीसी एंट्री
और जैग एंट्री, इससे इसके थ्रू आपको मिलता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर हम डिफरेंस समझें शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके जॉब का टेन्योर होता है 10 साल, और डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट और आपका जो परफॉर्मेंस रहा पिछले 10 सालों में, कई बार आपकी सर्विस 4 साल से बढ़ा दी जाती है, तो आप टोटल 14 ईयर्स काम करेंगे इंडियन आर्मी के लिए। अगर हम परमानेंट कमीशन की बात करें तो इसमें आपकी रिटायरमेंट की एज किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तरह होती है, और डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आप 48, 52 या 54 साल की एज में रिटायर होते हैं। एक बड़ा डिफरेंस परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर होने के बाद आपको पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर थे और रिटायर होते हैं तो आपको आप पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा पाते हैं। कमीशन ऑफिसर्स के बाद अगर हम जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स या फिर अदर रैंक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम इनकी हायरार्की को समझ लें। तो नॉर्मली आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज अ सिपाही, और प्रमोशन होकर आपका रैंक बढ़ता रहता है, और आप लैंस नायक, नायक और हवलदार, और कुछ बटालियंस में हवलदार मेजर का रैंक पाते हैं। और इसके बाद होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जिसमें सबसे नीचे नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, और फिर लास्ट में सूबेदार मेजर का रैंक होता है। यूं तो इंडियन आर्मी में एज अ JCO ज्वाइन करने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, और ये ऑप्शन कुछ स्पेशल स्किल्स वाले लोगों के लिए हैं। पहला है रिलीजियस टीचर, जिसमें अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु जैसे पंडित जी, मौलवी और पादरी, जिनकी उम्र 25 से 34 साल के बीच है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है। और दूसरा है केटरिंग JCO, आर्मी सप्लाई कोर में ये वैकेंसी होती है। तो अगर आपने 10+2 के बाद होटल मैनेजमेंट किया है और आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच है, तो आप केटरिंग JCO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा हवलदार रैंक की 2 डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं इंडियन आर्मी में। पहला है हवलदार एजुकेशन, जिसमें अलग अलग ट्रेड्स के लिए या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी एज 21 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरा है सर्वेयर आर्टोग्राफर, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है विद मैथमेटिक्स और आपकी एज 20 से 25 साल के बीच है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अंत में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की सबसे प्रमुख एंट्री की नॉन ऑफिसर रैंक्स में, जो कि है सोल्जर्स की रैली भर्ती। इसके थ्रू इंडियन आर्मी अलग अलग ट्रेड्स जैसे जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेड्समैन में रिक्रूटमेंट करता है। अप्लाई करने के लिए एज 17.5 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर और एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के कौन से अलग अलग रास्ते हैं। हमने आज जिन भी एंट्रीज की बात की है, उन एंट्रीज के बारे में डिटेल्ड वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखे हैं। तो अगर आप किसी भी एंट्रीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बहुत ही जल्द बनाएंगे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने के अलग अलग तरीकों के ऊपर वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।